डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, स्टोरेज और वॉइडिंग सिम्टम्स जो है प्रेजेंट होंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लैडर हमें डिस्टेंडेड मिलेगा, ठीक है, पैल्पेबल होगा क्रॉनिक रिटेंशन में। उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट का साइज देखेंगे, हमें फीचर्स इससे पता चलेंगे मेलिग्नेंसी के। इसमें हमें जो सर्फेस है वो हार्ड मिलेगी प्रोस्टेट की, नोड्यूलर सर्फेस होगा, ठीक है, हार्ड होगा और नोड्यूलर होगा, इस तरह से नोड्यूलर होगा, ठीक है, ऑब्लिट्रेटेड होगा मीडियन सर्कस और फिक्स म्यूकोसा होगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है हमने ताकि हम न्यूरोलॉजिकल कॉज जो है यूरिनरी रिटेंशन का उसे रूल आउट कर सकें, ठीक है। ये हो गया एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, डीआरई और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ब्लड टेस्ट यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करवाएंगे, यूरिन टेस्ट ग्लूकोज, आरबीसीज और पस सेल्स के लिए। अल्ट्रासाउंड जो है फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है फॉर लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स ड्यू टू बीपीएच, ठीक है। इसमें जो है अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या मिलेगा, प्रोस्टेट का साइज मिलेगा और पोस्ट वॉइड वॉल्यूम जो है ब्लैडर का मिलेगा जो कि 50 ml से कम होना चाहिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हो गया प्रोस्टेट का साइज और पोस्ट वॉइड वॉल्यूम जो कि 50 से कम होना चाहिए। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है 4 से कम होगा तो नॉर्मल, 4 से 10 के दरमियान होगा तो इन्फेक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से, 20 से ज़्यादा होगा तो प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। और अगर प्रोस्टेट सेंसिटिव स्पेसिफिक एंटीजन जो है अगर वो ज़्यादा है हम क्या करेंगे, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल बायोप्सी करेंगे प्रोस्टेट की, ठीक है। अ स्टैंडर्ड 12 कोर बायोप्सी इज़ नीडेड टू एक्सक्लूड मेलिग्नेंसीज, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। और फिर अगर PSA की ज़्यादा होगी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल बायोप्सी करेंगे प्रोस्टेट की। यूरोडायनेमिक स्टडी में हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंशिएट्स कॉजेज ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स के ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की वजह से है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है। इसमें हम क्या करते हैं, साइटोमेट्री जो है इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर जो है ब्लैडर का और एब्डोमिन का मेजर करते हैं, जब ब्लैडर फिल होता है और जब ब्लैडर हम मिक्चरेट करते हैं एम्प्टी होता है, ठीक है। इस दोनों सिचुएशंस पे जो है ब्लैडर का प्रेशर मेजर करना है। इसमें जो नॉर्मल यूरिन फ्लो रेट है वो 20 ml/s से ज़्यादा होना चाहिए और जो ब्लैडर प्रेशर है ड्यूरिंग वॉइडिंग 60 cm ऑफ वाटर मेन में और 40 cm ऑफ वाटर वोमेन में होना चाहिए। जो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है इसके अंदर जो नॉर्मल यूरिनरी फ्लो रेट है वो 10 से कम हो जाएगा, ठीक है। और जो ये है ब्लैडर प्रेशर जो है ये क्या हो जाएगा, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या हो गया, फ्लो रेट जो है यूरिन का वो कम हो गया और प्रेशर ब्लैडर पे बढ़ गया है। इसके अलावा सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ यूरिथ्रा प्रोस्टेट एंड ब्लैडर प्रियर टू प्रोस्टेक्टमी ताकि हम रूल आउट कर सकें कि यूरिथ्रा में कोई स्ट्रक्चर है या फिर ब्लैडर में कोई स्टोन्स हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी में हम ब्लैडर जो है ब्लैडर देखते हैं, प्रोस्टेट देखते हैं और यूरिथ्रा देखते हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो हमने डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री की, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, DRE, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड पे दो चीज़ें हमें पता चली, साइज ऑफ प्रोस्टेट और पोस्टवॉइडल वॉल्यूम, PSA की वैल्यूज याद रखनी है और हमने क्या करवाना है, अगर ज़्यादा का ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल बायोप्सी ऑफ प्रोस्टेट, यूरोडायनामिक स्टडी करते हैं, साइटोमेट्री प्रेशर मेजर करना है हमने, नॉर्मल वैल्यूज याद रखनी है, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी पे हम क्या क्या विजुलाइज करते हैं प्रियर टू प्रोस्टेक्टमी।